हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इको सर्वे के चैप्टर्स आगे बढ़ाते हैं, एक और चैप्टर कवर करते हैं। दोस्तों, जैसे आप अगर क्रैश कोर्स के हमारे पार्ट हैं तो हमने क्रैश कोर्स में हमने चैप्टर 2 कवर किया था, लेकिन थोड़ा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अभी मैं चाह रहा हूँ इसको मैं थोड़ा कवर करना कि इसको थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से, कि अगर आप मेंस के पहले भी इसको देखें तो आपको इसमें क्लैरिटी हो जाए कि क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। ओके दोस्तों, जैसे ये चैप्टर फोकस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है, ठीक है। एंड पैरेलली यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो चाहते हैं बिल्ड करना, जो मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप से किस तरह से वेल्थ क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये दो लेवल पर ये आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड करेंगे, ठीक है। आप चैप्टर पैरेलली खोल लीजिए, मैं आपको बताता रहूँगा कौन सी चीज़ें जाननी है। अगर आप प्री दे रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप इसमें कौन सी चीज़ें फोकस कीजिए एंड कौन सी मेंस के पर्सपेक्टिव से। देन दोस्तों, इसे चैप्टर शुरू करते हैं, वो स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया ने बहुत एफर्ट किया है रिसेंटली, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अगर प्री दे रहे हैं, हमें पता होना चाहिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है, MCA 21 डेटाबेस क्या है, ठीक है। ये कि कहाँ कैसे कंपनीज डेटा जो अपना ऑनलाइन फिल करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। 21 का मतलब होता है 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारा डेटाबेस बनाया जा रहा है उसकी बात। देन ये GDP का डिस्कस करेंगे हम, कि क्या रहती है कि ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन, कि किस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रोडक्शन बढ़ जाती है एंड डिस्ट्रिक्ट की जो आउटपुट इंक्रीज हो जाती है अगर हम ग्राउंड लेवल पर अगर एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करें, ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर की थीम रहेगी कि क्या क्या चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हैं। एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, ये जो हमारा इको सर्वे रहता है ये हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत सी चीज़ें बताता है। एंड इसीलिए अकॉर्डिंगली जो जहाँ पर जैसे प्री के ओरिएंटेड कुछ चीज़ें आएगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेजरली ये थोड़ा मेंस के ओरिएंटेड मॉडल्स के फॉर्म में आंसर्स हमें मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, जैसे शुरू करते हैं चैप्टर को, तो यहाँ ये बताते हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम वर्ल्ड बैंक का डेटा भी देखें, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दोस्तों इस पर हमने बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं, आप सिंपली सर्च करेंगे स्लीपी क्लासेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूट्यूब पर, आपको डिटेल्ड वीडियोज मिल जाएंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, वो ईजिली कवर हो जाता जो हमने कवर किया हुआ था। थोड़ा सा पेचीदा मुश्किल सवाल था लेकिन कवर हो रहा था क्योंकि थोड़ा एक्सटेंसिवली देखा हुआ था। ओके देन दोस्तों, बता रहे हैं कि दुनिया भर में एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत प्रमोट किया जाता है क्योंकि उससे देखा जाता है कि हमारे जो देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है एंड अगर देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है एक्सेट्रा। तो इसलिए कहते हैं हमारे देश में भी हम चाहते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें एंड वेरियस जो कंट्रीज की बात करते हैं कि कैसे प्रमोट हुआ एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल काम की बात है जो एग्जैक्ट के साथ में, अगर आपने पेज खोला हुआ है तो आप साथ साथ चलते रहिए, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जैसे 2014 ऑनवर्ड्स जो स्पीड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू फर्म्स, नई फर्म्स क्रिएट होने की स्पीड एकदम बढ़ गई, चलो हम मान लेते हैं इस बात को, ठीक है। डेटा के थ्रू ये प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे यहाँ पर आते हैं हम, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जैसे एक पॉसिबिलिटी, एक रीजनिंग ऐसी हो सकती है कि एंटरप्रेन्योरशिप, लोग अपना काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नेसेसिटी ड्रिवन है, क्योंकि अभी देश में वो कह रहे हैं शायद एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो इस कारण से उनको एंटरप्रेन्योरशिप करनी पड़ रही है। लेकिन वो बता रहे हैं कि रादर हमारे पास जो फाइंडिंग्स हैं, जो डेटा है, वो बताती हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो की जा रही है वो प्रोडक्टिव कारणों के लिए की जा रही है, ग्रोथ फोकस है उनका, कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए किसी ने कोई अपनी दुकान कंपनी खोल ली, नहीं, वो कह रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं लोग एंड वो जो ऑलरेडी जो चीज़ें जैसे जिस स्पीड पर होती हैं उसको इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं एंड ग्रोथ पर फोकस है। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ आप कहें कि सिर्फ जरूरत थी, नेसेसिटी थी कि जॉब चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ पर ध्यान है एंड पैरेलली जो बहुत सी जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है वो फॉर्मल सेक्टर में आ रही है। तो फॉर्मल सेक्टर में आने से मतलब कि लोग वॉलेंटरली ऑटोमेटिकली खुद से ही चाहते हैं यहाँ पर काम करना एंड एंटरप्रेन्योर बनना। ओके मैं यहाँ पे मार्क करता रहूँगा कौन सी चीज़ मेंस के पर्सपेक्टिव से है, कौन सी प्री के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों, जैसे यहाँ सबसे पहली जो बात हम जिस पे जो फोकस करते हैं वो जो मेंस के पर्सपेक्टिव से, जैसे एक यहाँ पर एक बात है उठाते हैं, वो कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो हम खुद का काम शुरू करते हैं, वो खुद के काम में जो सबसे पहले वो कहते हैं कि ग्रोथ में किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करेगी फ्यूचर में, ठीक है। आने वाले जो डेकेड्स होंगे उसमें कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगी वहाँ पर बात बताते हैं, ठीक है। कि अगर आप अपने पॉइंट्स लिखना चाहते हैं कभी एग्जाम में मेंस के लिए तो आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जैसे कि जो लेबर की मूवमेंट है,
लेबर की मूवमेंट कहते हैं अनप्रोडक्टिव सेक्टर से, जैसे ऐसे जहां सिर्फ गुजारे हो रहे थे, सबसिस्टेंस सेक्टर से, एंटरप्रेन्योरशिप के चलते फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मल जो सर्विसेज की तरफ जाएगा एंड इंडिया की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जो प्रोडक्टिविटी में गैप्स हैं, प्रोडक्टिविटी अभी हमारी जो देश की पीछे रहती है बाकी कंट्री से, वो अभी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। एंड क्या मैं रिपीट करता हूँ कि लेबर के जो हमारे अनप्रोडक्टिव जो उसमें या फिर लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में काम कर रही है वो फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से। ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप से थोड़ी उम्मीदें भी हैं एंड ये रोल प्ले करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे देश की तरक्की में। देन वो बोलते हैं कि अगर हम जो देखें कि क्या ये कुछ सेंटर्स पर ही फोकस रहेगी कि सिर्फ इन्हीं जगहों पर एंटरप्रेन्योरशिप होने वाली है, तो कहते हैं हमारे पास जो डेटा है वो क्या बताते हैं कि हमारे देश में सब तरफ, ऑलमोस्ट सब तरफ एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी की। सिर्फ ईस्टर्न स्टेट्स में थोड़ा कम देखने को मिलता है, अदरवाइज जो पूरे देश में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी काफी ज्यादा तेज है। ये पूरा ग्राफ के थ्रू चाहते हैं बताना। एंड ये जो एक और यहाँ पॉइंट बताते हैं कि ये अच्छी बात भी क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है तो जीडीडीपी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम जीडीपी देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम आउटपुट देखें तो वो भी फायदा करती है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाता है कि अगर ग्राउंड या फिर ग्रास रूट लेवल पर वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कहते हैं डेटा हमें इसको सपोर्ट करता है जो डेटा बताते हैं। ओके, देन थोड़ा अगेन एक मीन्स के परस्पेक्टिव से चीज देखते हैं। वो कहते हैं अगर आप एग्रीकल्चर के अगर आप एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी की बात करें, जो एग्रीकल्चर में कुछ नए नए तरह के काम बिजनेस शुरू हो रहे हैं, तो वो ज्योग्राफिकली लिमिटेड नहीं है, वो पूरे देश में चलते हैं। कहते हैं लेकिन जैसे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजें हैं जो कुछ एक जगहों पर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं अगर हम फोकस करें, नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है एंड अकॉर्डिंगली आप अगर पॉलिसी भी बनाना चाहते हैं तो पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जहां नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को सपोर्ट किया जाए। दोस्तों हमारे पास ऐसी बहुत सी स्कीम्स भी चल रही हैं जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑर्गेनिक एक्टिविटीज को प्रमोट करती हैं। ठीक है, जो भारत सरकार की स्कीम चल रही है हमने डिस्कस करते रहते हैं उनको। एंड देन दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव या प्री दोनों की तरफ से ही आप देख सकते हैं कि प्री एंड मेंस दोनों में काम आ सकता है। इसको बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ठीक है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज एक तरह से जो इफेक्ट रहता है, एक इम्पैक्ट रहता है, जैसे आप सिंपल शब्दों में समझने की ट्राई कीजिए, जहां पर जो चीजें चलती आ रही हैं पहले से वही चीजें और ज्यादा अच्छे लेवल पर उस जगह पर होनी शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बोलूं कि अगर कोई जगह है जहां पर एजुकेशनल सेक्टर बड़ा अच्छा है, जहां पर एजुकेशन अच्छी मिलती है, वहां पर और बेहतर से बेहतर एजुकेशन के लोग आते रहेंगे, अट्रैक्ट होंगे, बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ने आएंगे वहां पर, तो ओवरऑल एक एग्लोमरेशन इफेक्ट आएगा वहां पर कि वहां पर और अच्छे सेंटर आने शुरू हो जाएंगे। जो पहले लेट्स से 5 या 10 थे, अब वो 20, 25, 50 हो जाएंगे। तो वो क्या इसीलिए बताते हैं कि जो इनकम्बेंट, जो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर वहां एग्जिस्ट करता है, उसके कारण आपको इनपुट की टेंशन नहीं होती, आउटपुट के लिए मार्केट एग्जिस्ट करती है, स्पेशलाइज्ड तरह की लेबर आनी शुरू हो जाती है उस रीजन में, और इसीलिए वो पर्टिकुलर जो रीजन है उस तरह की एक पर्टिकुलर तरह की जो भी सर्विस या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उसमें और बेहतर होता जाता है और बेटर तरह के वहां पर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसको कहा जाता है एग्लोमरेशन इंपैक्ट। ठीक है, एग्लोमरेशन जो इफेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो गुजरात में सुरेंद्रनगर, राजकोट, भावनगर, सूरत, यहां पर ऑलरेडी एक पर्टिकुलर तरह की इंडस्ट्री चल रही थी, उसी में ही नई नई तरह की एंटरप्रेन्योर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक्सटाइल, केमिकल्स, मेटल, प्लास्टिक, फार्मा, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि एग्लोमरेशन इंपैक्ट भी अच्छी चीज है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। ओके, ठीक है, ये मेंस में काम आ सकता है आपको, वैसे प्री में पूछ सकते हैं लेकिन मेंस में ज्यादा चांस है काम आने के, आप आंसर्स में लिख सकते हैं। ओके, देन यहां बताते हैं कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे 3 एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं हम अगर कंपेयर करें गुजरात, पंजाब एंड राजस्थान, यहां पर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ज्यादा रहती है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। इसका रीजन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमने नोट किया कि इनके जो लेबर लॉज हैं बाकी स्टेट से फ्लेक्सिबल हैं। कहीं पर जो लेबर लॉ, अगर वो बोलते हैं कि कहीं पर लेबर लॉ थोड़ा अगर प्रो वर्कर है तो कहीं पर प्रो एम्प्लॉयर है,
या फिर हम सिंपल शब्दों में कहें कि वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर एग्जिस्ट करती है, एंड जैसे कि आपको अगर ट्रेड यूनियन बनाने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी ज्यादा की हुई हैं कि इतने जल्दी ट्रेड यूनियनाइज नहीं हो जाएगा, काम नहीं रुकेगा आपका जो यूनियंस के कारण जैसे जो रुकने की टेंडेंसी रहती है हमारे देश में। तो इसी कारण से देखो यूनियन होना जरूरी भी है कि कलेक्टिव जो बार्गेनिंग इंप्रूव होती है, एट द सेम टाइम काम नहीं रुकना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी ऑब्लिगेशंस हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाकर इंटरनेशनली सेल करना है और आपने अदरवाइज आप नहीं करेंगे तो कोई और सेल करना शुरू कर देगा, तो यू विल लूज दैट मार्केट। तो इसीलिए जरूरी है कि हम कुछ ऑब्लिगेशंस को भी पूरा करते हुए अपने लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल करें, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स तक लेके चले ताकि हम भी कंपेटिटिव मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो इसलिए बोलते हैं ये तीन जो स्टेट्स हैं गुजरात पंजाब राजस्थान फ्लेक्सिबल लेबर लॉज हैं, एंड अकॉर्डिंगली नजर भी आता है इनकी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी जो ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ओके देन यहां पर अगर आगे इसको बात को लेकर चलते हैं तो नेक्स्ट बताते हैं सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। तो कहते हैं सर्विस सेक्टर में ऐसा कोई खास इंपैक्ट नजर नहीं आता हमें एग्लोमरेशन इकोनॉमीज का, तो इसीलिए डाइवर्स हैं जगह जगह पर अलग अलग तरह से सर्विसेज को लेकर जो नई नई एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी देखने को मिलती है। एक जगह पर भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक जगह पर एक ही तरह की एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी हो रही है, बहुत डाइवर्सिटी है, एंड इसीलिए जो सर्विसेज सेक्टर में एग्लोमरेशन इकोनॉमी का इंपैक्ट नजर नहीं आता। ठीक है ओके देन अब एक और यहां बात करते हैं, अगेन आई रिपीट मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट, ये हमें नहीं पता कैसे सवाल पूछे कि ये कहां पॉइंट काम आएगा। ओके वो बोलते हैं कि इंफ्रा की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखें नई नई तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी चल रही है वो उन जगह पर है जहां पर ऑलरेडी जो पुअर लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बताते हैं झारखंड अरुणाचल हिमाचल मिजोरम जेएनके बिहार, ये कहते हैं ऐसी जगहें हैं जहां पर ऑलरेडी जो इंफ्रा का लेवल है थोड़ा ऑन द पुअरर जो साइड है, इसी कारण यहां पर जो नई नई तरह के एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का वो जो गैप है उसको फिल करने के लिए आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट जो बिजली बनाना एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों तो ये बात ठीक है थोड़ा लॉजिकल चल रही है हमें समझ भी आती रहेगी, एंड ये बता रहे हैं देन आगे अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से बात है यहां पर वो बता रहे हैं कि अगर हम एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को अगर हम एनालाइज करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के साथ भी इसका ताल्लुकात है कोरिलेशन है, एंड वो थोड़ा प्री पर्सपेक्टिव से देखिएगा इसको बोलते हैं पीएलएफएस। वो कह रहे हैं अगर हम जैसे ये तो क्या बोल रहा है कि मैंने पीएलएफएस का डेटा देखा, ये जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का मैंने डेटा देखा तो मुझे बात समझ आई कि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी और अनएम्प्लॉयमेंट में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब आप पूछ सकते हैं कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव, मतलब कि अगर अगर कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो एंटरप्रेन्योरियल ज्यादा होगा पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, तो वो कहते डिपेंड करता है। जैसे एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग है यहां पर नेगेटिव है, वो कह रहे हैं कि अगर आप देखें अगर जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है उस तरह से एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज घट जाती है। ठीक है नेगेटिव है यहां पर, जबकि वो कह रहे हैं कि अगर आप सर्विसेज या इंफ्रा की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो इसमें हमारी और जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है तो पॉजिटिव शो करता है, तो आपको बस पॉइंट क्या दिमाग में रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी का स्टेटस। ठीक है जैसे भी आप जानते हैं ना जैसे एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग ये तो ऑलरेडी थोड़ा ओवर एम्प्लॉयड लेके चल रहे हैं अभी, जैसे एग्रीकल्चर में बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होगा, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से ऑलरेडी ग्रस्त हैं वो और ज्यादा लोगों को तो एम्प्लॉय कर ही नहीं सकते, रादर यहां पर तो अगर कोई एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी आएगी तो लोग निकलेंगे यहां से। ठीक है एग्रीकल्चर को छोड़ेंगे वो, तो इसीलिए नेगेटिव कोरिलेशन भी यहां पर नजर आता है। ओके देन एक मेंस के पर्सपेक्टिव से पॉइंट भी और है कि वो कह रहे हैं कि जो 1% जो फर्म्स बनती हैं जो उसमें एक एक ही इंसान ने अपना काम शुरू किया वो कह रहे हैं जीडीपी वगैरह में कोई खास इंपैक्ट नहीं कर पाती, इसीलिए जरूरी है कि थोड़ा फर्म्स का साइज भी इंक्रीज हो अकॉर्डिंगली हम जीडीपी वगैरह में भी ग्राउंड जो लेवल पर भी वेल्थ क्रिएट करें। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को डिटरमिन करते हैं या फिर जो हेटरोजेनिटी की इतनी डाइवर्स तरह की
हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी नजर आती है, उसके फैक्टर्स क्या है? ठीक है, वो पहले जो कुछ पॉइंट वाइज ही है वो कह रहे हैं, एक तो लोकल पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंडीशंस क्या एग्जिस्ट करती हैं, और एग्लोमरेशन इकोनॉमीज हैं या नहीं। ठीक है, ये तीन कहते हैं बेसिक पॉइंट हैं, एंड इसके ऊपर ऐड करो और दो ब्रॉडर पॉइंट। वो बोलते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारे जो जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कह रहे हैं कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर, ए सोशल, बी फिजिकल। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन। वो कह रहे हैं जितना एजुकेशन का लेवल, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो, चाहे हायर लेवल एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन, वो आपका इंपैक्ट करेगी कि कितना टैलेंट की सप्लाई हो सकती है एंड कितना अकॉर्डिंगली, अगर आपने कोई कंपनी वगैरह बनाई उसके लिए आपको जो एम्प्लॉयज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए कहते हैं अगर आपके जो डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, तो कितनी आपकी जनता लिटरेट है, वो अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को ऊपर या नीचे डिसाइड करेगी हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करते हैं कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। वो बोल रहे हैं एक तो लोकल पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंडीशंस, एंड देन एग्लोमरेशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो कह रहे हैं दो तरह की बातें हो रही हैं, एक तो सोशल इंफ्रा एंड एक फिजिकल इंफ्रा। सोशल इंफ्रा में एजुकेशन है प्राइमरी, कि मल्टीपल लेवल ऑफ एजुकेशन जो कि टैलेंट डिसाइड कर रहा है कि मैनेजर्स हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अच्छे एम्प्लॉयज होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, जो कि टेक्निकली साउंड भी हो, जिनको कुछ ना स्किल्स भी हो। देन कम्स योर फिजिकल इंफ्रा। ठीक है, फिजिकल इंफ्रा में बोलते हैं कि कनेक्टिविटी की बात करो आप, कनेक्टिविटी में कि रोड्स से कनेक्टेड है कि नहीं। वो कह रहे हैं अगर आपने सामान बना भी लिया लेकिन आपका प्रोडक्ट नहीं बेचने जा सकते आप क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपकी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी फेल हो जाती है, लोग एंटरप्रेन्योर बनना नहीं चाहते। देन बिजली अवेलेबल है कि नहीं, लेट्स से आपने कोई कंप्यूटर पे कुछ बनाना है, कुछ करना है, मशीन चलानी है, बिजली, पानी, सैनिटेशन फैसिलिटीज, टेलीकॉम है ना, इंटरनेट, ये सब चीजें जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है ये डिसाइड करेंगे कि आपकी कंपनी चल रही है कि नहीं। एंड ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरी करती है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बेटर है, किसी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अकॉर्डिंगली ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कंडीशंस हैं जो कि दो तरह के इंफ्रा हैं, सोशल एंड फिजिकल, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। देन यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर आपके जो पॉपुलेशन की बात करें, अगर आपका जो स्टार्टअप है, जो कंपनी है, अगर उसके आसपास अच्छी खासी आबादी रहती है तो आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट मिल जाती है, ऑपरेशन स्केल अप करने के लिए। तो इसीलिए जो ये वाली जो फैक्टर्स हैं इनको दिमाग में रख के आंसर्स बना सकते हैं हम। एंड देन इसीलिए यहाँ पर जो ये जो थोड़ा मेंस के लिए परस्पेक्टिव से अगर ये थोड़ा कंपाइल कर रहे हैं कि क्या क्या ड्राइवर्स हैं हमारे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के, एक तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, यंग पॉपुलेशन है, ओल्ड पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट बनाओगे, एंड देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कंडीशंस, फिजिकल इंफ्रा है या फिर सोशल इंफ्रा है एटसेट्रा। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अगर रेगुलेशंस ही बहुत ज्यादा हैं कि आपकी जो लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉज कैसे हैं, फेवर करते हैं आपके जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को या रोकते हैं, या एंड देन एग्लोमरेशन इकोनॉमी कि आपकी जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पे आपको इनपुट आउटपुट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, वो वाला इंपैक्ट। तो काफी अच्छा यहां समराइज कर दिया गया है। ठीक है, कहते हैं यही सब चीजें, चार चीजें ब्रॉडली देखें तो ये इन्फ्लुएंस करेंगी कि कितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्या स्किल मिलेगा आपको, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड आपकी इवन की जो दूसरे कैपिटल, जो रॉ मटेरियल वाले रिसोर्सेज, ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अकॉर्डिंगली आपकी फर्म क्रिएट होगी या ग्रो करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा इसीलिए। तो बाकी वो कह रहे हैं कि लिटरेसी में अगर बात करनी है तो डिजिटल लिटरेसी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है कि कितना आसानी से जो नई तरह के जो बिजनेसमैन आए हैं, एंटरप्रेन्योर्स आए, उनको टेक्नोलॉजी मिल पा रही है, उनको पैसा मिल पा रहा है अपना बिजनेस स्केल अप करने के लिए या नहीं मिल पा रहा, तो अकॉर्डिंगली आपके एंटरप्रेन्योरशिप विल बी ड्रिवन। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर ट्रिविया है, एक फालतू का छोटी सी बात है, वो कह रहे हैं कि अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी एक लेवल पर आकर, अगर ऐसा नहीं है कि हम कनेक्टिविटी और बेहतर 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 करते जाएंगे तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। वो कह रहे हैं सब चीजों में दिखता है हमें कि चाहे एजुकेशन के जितना बेटर करते जाओगे उतनी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी दिखती रहती है, सिर्फ कनेक्टिविटी में एक फॉल आता है 91% के आसपास। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं शायद जब आपकी जो कनेक्टिविटी बहुत बेटर हो जाती है तो लोगों को
जो तो आसपास का कंपटीशन लेवल काफी इंटेंस हो जाता है, तो इस कारण से, क्योंकि एक प्रोडक्ट दूसरी जगह पे बेचा जा सकता है आराम से क्योंकि कनेक्टिविटी है, तो इस कारण से नई फर्म्स क्रिएट नहीं हो पाती क्योंकि कंपटीशन होता है, इसलिए डिस्करेज करता है वो। तो कहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कनेक्टिविटी देना बंद कर दें, लेकिन जनरली शायद ये रीजनिंग होती है। एंड बहुत से लोग, जैसे आप मान लीजिए कि अगर कनेक्टिविटी अच्छी है, आपको जॉब करने कहीं दूर भी जाना है, तो आप जॉब करने चले जाएंगे एंड एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे। तो कहते हैं शायद ये भी हो सकता है, इसीलिए फिजिकल कनेक्टिविटी का बोलते हैं कि एक डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। डिमिनिशिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल कनेक्टिविटी इंप्रूव करते जाएंगे तो आपकी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी ऊपर जाती रहेगी, नहीं, वो कह रहे हैं ऊपर जाएगी नीचे आ जाएगी थोड़ा सा, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न है, आप इंक्रीज करोगे पैसा, पैसा इंक्रीज कर रहे हो लेकिन रिटर्न नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न, रिटर्न आपके डिस्क जो घटते जाते हैं। ओके, फाइनली कंक्लूड करते हैं, कह रहे हैं सर हम, हमें तो पेपर में आंसर लिखना है, हमें तो बताइए कि पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या है, कि कैसे फास्ट ट्रैक करें एंटरप्रेन्योरशिप को, कैसे जल्दी जल्दी वेल्थ क्रिएट करें लोगों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें बताइए पॉलिसी क्या बनाए, हमें तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं सबसे पहली बात तो है कि ये बात जानना कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपकी फर्म क्रिएट हो रही है एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, दोनों कोरिलेटेड हैं, ठीक है। यस सर, अग्रीमेंट हमने देख लिया पीछे कि इतना परसेंट अगर ग्रो करती है अगर जो हमारी नई फर्म्स, तो हमारी जीडीडीपी भी बढ़ जाती है पैरेलली, तो ये कोरिलेशन तो एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करके हमने देखा हमारी ग्राउंड लेवल पर जीडीपी बढ़ जाती है। ओके, तो इसीलिए अब वो क्या बोलते हैं कि आप देखिए कि सबसे पहला स्टेप हमें क्या लेना है, कि वो कहते हैं हम देखते हैं जो, जैसे इसलिए एग्जांपल से बताते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में जहां पर लिटरेसी लेवल लो है वहां पर फॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप भी लो है, ठीक है। अगर लिटरेसी लो है तो फॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप भी लो है, इसलिए पहला काम हमें क्या करना है, हमें लिटरेसी लेवल बढ़ाना है, ठीक है, लिटरेसी लेवल बढ़ाना है। एंड एग्जांपल से बताते हैं कि कहते हैं इंडिया ने अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस को प्राइवेटाइज कर दिया, उसके कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्कफोर्स मिली हमें एंड इंडिया वर्ल्ड लीडर है अभी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बहुत कर पाते हैं क्योंकि हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस को प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को खोलने की इजाजत दे दी, तो इस कारण से बहुत सारी वर्कफोर्स मिल गई। इसलिए वो बोल रहे हैं कि एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना चाहिए ताकि गली गली तक अच्छी एजुकेशन पहुंचाई जा सके। ओके, देन सेकंड वो बोलते हैं कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी पड़ेगी हमें, क्यों, जैसे जितनी जो टार रोड्स मतलब पक्की सड़कें मिलेंगी उतना हमारा एक्सेस बढ़ेगा लोकल मार्केट तक, हम लोकल मार्केट तक जाकर भी अपना सामान बनाएंगे जो वो बेच सकते हैं। लेकिन वो बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, प्रायोरिटाइज करो, तो अगर प्रायोरिटाइज ही करना है पैसे को कि कहां से पहले पैसा लगाया जाए, तो पहला पैसा लगना चाहिए लिटरेसी लेवल पर। देन वो बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां जहां पर हो रहा है वो वाले सभी काम करने होंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, दैट मीन्स कि लेबर रेगुलेशन को फ्लेक्सिबल करना होगा, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जहां पर जो फैक्टर रहता है लेबर, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखने को मिलेगी जो कि मैक्सिमम जॉब्स भी हमें प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये तीन तरह की बातें करते हैं कि लिटरेसी नंबर वन प्रायोरिटी, कनेक्टिविटी क्योंकि उससे मार्केट का एक्सेस मिलता है, एंड देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रेगुलेटरी हमें बातों को करना है, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल लेबर लॉस, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रहे, मैं क्विक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आपके लिए ट्राई करता हूं कि चैप्टर फोकस करता है कि किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें जिससे ग्राउंड लेवल पर ग्रास रूट पर वेल्थ क्रिएट हो। तो इसमें हमने कुछ टर्म्स देखी, जैसे वो टर्म्स को आप देखेंगे जान लेंगे तो फायदे में रहेंगे, है ना, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सेट्रा क्या रहता है। ओके, देन उसके बाद यहां पर वो बताते हैं कि न्यू फर्म्स क्रिएट हुई बहुत रैपिडली एंड अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे देश में जो न्यू फर्म्स क्रिएट हुई वो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर रही है, ग्रोथ पे फोकस कर रही है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट दे रही है। एंड देन वो बोल रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे देश में प्रोडक्टिविटी के गैप्स को खत्म करने में, ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं हो पा रहा, ये हमने देखा भी लिटरेसी लेवल लो है इस कारण से नहीं हो पाता, लिटरेसी लेवल को इंक्रीज करना है। एंड ट्रिकल डाउन इंक्रीज करता है, ट्रिकल डाउन मतलब ग्रास रूट लेवल तक वेल्थ क्रिएट करता है एंटरप्रेन्योरशिप, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एंड अगर नॉर्थ ईस्ट में जाए तो हमारे पास ऑर्गेनिक है एंड एग्लोमरेशन इकोनॉमीज भी हैं, तो जहां जहां पे जो 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 फीचर मिलता है अकॉर्डिंगली हमें डेवलप करना चाहिए वहां पर। गुजरात, पंजाब, राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा क्यों होती है, लेबर लॉ थोड़े फ्लेक्सिबल हो गए हैं। एंड देन
उसके बाद वो बात करते हैं कि हम अगर देखें कि कहाँ कहाँ पर कौन सी तरह की अगर जो एक्टिविटी हो रही है तो वो ताल्लुकात कुछ ना कुछ नजर आता है। जैसे जहां पर इंफ्रा ही नहीं है वहां पर इंफ्रा प्रोवाइड करने वाले नई नई तरह के स्टार्टअप्स आ रहे हैं। एंड देन उसके बाद बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, तो 1% वाली कंपनी बनाने से कुछ फायदा नहीं होता जीडीपी का, इसलिए हमें थोड़ा स्केल अप करना भी जरूरी है। एट द सेम टाइम हम एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं कि कैसे बढ़ती है, तो यहाँ पर जो ये चार पॉइंट हमारे जो हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंडीशन क्या है, जो पॉपुलेशन का हमारा एट्रीब्यूट क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंडीशन में देखा था हमने दो हैं चीज़ें, एक तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, एग्लोमरेशन इकोनॉमी का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा एटसेट्रा, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी को भी वो कह रहे हैं शामिल कर लो, लिटरेसी सिंपल से कुछ नहीं होगा, डिजिटल लिटरेसी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को अवेलेबल करवाती है। एंड फाइनली कि जो हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी है उसके डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, 91% के बाद अगर आप देखो जब कनेक्टिविटी आ गई है आप और इन्वेस्ट करोगे कुछ खास निकल कर नहीं आएगा। एंड पॉलिसी इंप्लीकेशंस बताते हैं कि हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप के बढ़ने से जीडीडीपी इंक्रीज होती है हमारी ग्राउंड लेवल पे, एंड ईस्टर्न स्टेट्स में सिंस लिटरेसी लो है तो वहां पर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी भी लो है, इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमें लिटरेसी लेवल इंक्रीज करना है। जैसे हमने देखा कि हमने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए तो हमारे देश को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा, तो ऐसे ही जो हमें बाकी एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज करना चाहिए बोलते हैं। एंड देन बोलते हैं कि बेटर कनेक्टिविटी होनी चाहिए हमारे पास, एंड देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी हमें आसान करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक छोटा सा अटेम्प्ट, कुछ चीजों को आपको मेंस एंड थोड़ा प्री के पर्सपेक्टिव से भी बताना, इको सर्वे कवर करना इतना मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने लेवल से भी इसको उठाएं, खुद से पढ़ने के ट्राई करें, खुद के स्किल्स भी डेवलप करेंगे एंड लिटरेसी, इको सर्वे की लिटरेसी इंप्रूव होगी, खुद जो भी छोटी छोटी चीजें मिलती हैं जानते रहो उनको गूगल करते रहो, गूगल करोगे फायदे में रहोगे, ठीक है दोस्तों। बाकियों से ज्यादा मेहनत करोगे तो बाकियों से ज्यादा रिजल्ट भी मिलने के चांस बढ़ जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।